दोस्तों हैप्पी दिवाली और सभी को दिवाली में हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम माय चैनल। सो गाइस दिवाली के एक दिन पहले आज कोलकाता में दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है। कोलकाता में दिवाली को बोला जाता है काली पूजा, और काली पूजा के दिन में हम पूरा घर को सजाते हैं विद द कैंडल्स एंड दिए। तो आई बॉट 2 पैकेट ऑफ कैंडल्स, तो आज ये पूरा कैंडल्स से घर के छत और बाहर भी डेकोरेशन करेंगे सो विद ऑल ऑफ यू। सो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कैंडल को लेकर चलिए पूरे घर को सजाते हैं, बिकॉज दिवाली का मतलब होता है क्या, टू रिमूव द डार्कनेस विद द लाइट। तो शाम के ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, तो चलिए कैंडल जलाकर हम लोग डार्कनेस को रिमूव करते हैं एंड वेलकम करते हैं विद द पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव शक्ति। दोस्तों दिवाली के साथ दिए का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, जो कनेक्शन आप सभी को तो शायद पता है, अगर जिसको नहीं पता है उसको लिए मैं बोल दे रहा हूँ। दैट इज़ दैट जब राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जब 14 साल वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या लौटा, उस टाइम में जो अयोध्यावासी देशवासी खुश होकर शाम के वक्त उन लोग का घी से दिया जलाया था, तब से पूरा हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे रिचुअल है दिवाली के टाइम में सब दिए जलाए जाते हैं। तो दिया का जो रिचुअल है तो कल तो हो चुका है, आज हम लोग जला रहे हैं छत के ऊपर हूँ कैंडल्स। आप देख सकते हो ये मेरा घर के छत के ऊपर मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडल्स जलाए हुआ हूँ। तो इट इज़ लुकिंग सो फैबुलस, एंड यही तो है दिवाली का असली मज़ा, यही तो है दिवाली का फ्लेवर। जब आप दिवाली का मतलब ही है दोस्तों टू रिमूव डार्कनेस, दिवाली का मतलब ही है अगर आप जो अंधकार है उसको रिमूव किया जाता है दिए से लाइट से। तो आप देख सकते हो हर जगह मैंने ये कैंडल लगाए हुआ है टू रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम द लाइफ, फ्रॉम माय सोसाइटी एंड फ्रॉम आवर कंट्री। सो दोस्तों आपके भी अगर ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट्स है दिवाली स्पेशल, घर को कैसे डेकोरेशन किया है आप भी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आप देख सकते हो आसपास ये जो मेरा नेबर्स है इन सभी का घर में भी बहुत सा लाइटिंग लगाया हुआ है, बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा देसी बंदा हूँ, आई एम नॉट द आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ चाइनीज लाइटिंग्स एंड ऑल। तो ट्रेडिशनल रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए मैं कैंडल जलाया हूँ। हर जगह पे चाइनीज लाइट्स बिकते हैं, बट आई थिंक सो चाइनीज लाइट नहीं खरीद के अगर ऐसे दिए जलाते हैं, ठीक है भाई ये तो कुछ घंटे कुछ मिनट जलते हैं तो क्या हुआ, इसमें एक देसीपन है, एक दिवाली का असली मज़ा तो ये सब कैंडल में ही है दोस्तों। बहुत जगह दिवाली एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है, और मैं जिस शहर में रहता हूँ दैट इज कोलकाता, कोलकाता में भी सेम है। एक्चुअली दिवाली है कल, बट आज है काली पूजा है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर दिवाली को काली पूजा बोला जाता है और काली पूजा सेलिब्रेशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर काली पूजा सेलिब्रेशन हम लोग ऐसे ही करते हैं दिए जलाकर। मीन्स धनतेरस के दिन में हम लोग दिए जलाते हैं और नेक्स्ट डे में हम लोग ऐसे ही कैंडल जलाकर घर को सजाते हैं। तो इंडिया में सब जगह पर तो कल दिवाली सेलिब्रेशन होगा, बट हम लोगों के लिए जो लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं और साउथ में भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर दिवाली एक दिन पहले ही सेलिब्रेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है ये तो एक्चुअल मुझको पता नहीं है, बट किया जाता है, तो हम लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये पूरा छत को सजा के लिया है, डेकोरेशन कर लिया है। तो एक्चुअली आई पर्सनली डोंट लाइक पटाखे फोड़ कर दिवाली सेलिब्रेशन करना, मुझको अच्छा नहीं लगता है, आई लिटिल बिट ऑफ स्केयर्ड अबाउट ऑल दिस स्टफ। तो दिए ये सब कैंडल्स ही एकदम ठीक ठाक है गाइस।
So, अगर किसी को अभी को किसी को पता है कि क्यों यहाँ पर इन द रेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया कुछ कुछ जगह में साउथ में कोलकाता में क्यों एक दिन पहले दिवाली सेलिब्रेशन किया जाता है, ये तो रीज़न मुझको पता नहीं। अगर आपको भी पता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइज सी यू वंस अगेन इन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव एक्साइटिंग एपिसोड। तो फिर से विश यू हैप्पी दिवाली।